वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने देखा, आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स दिए, तो इसके लिए मैंने और कुछ काफ़ी वीडियोस बनाने का प्लान किया है। तो आज का वीडियो क्यू एंड ए है, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहे, तो मैंने गिन चुन के कुछ काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठा किए, तो उसके आंसर मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग? जब बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट कब करूँगा ये मैंने प्रोफेशनली ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मैं एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था, काफ़ी मोटिवेट होता था क्योंकि कॉलेज में काफ़ी एथलीट्स रहे थे, बॉडी बिल्डर्स रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ अच्छी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, तो तभी से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तभी से मैंने बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा प्रोफेशनली, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसमें स्टेट का एक टीम होती है, वो नेशनल जाती है, तो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन भी मैंने वो टाइम पर जीता था, ओवरऑल टाइटल जीता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन कैटेगरीज और स्टेट लेवल ओपन कैटेगरीज, फिर नेशनल ओपन कैटेगरीज, ऐसे बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट होते, तो उसका मैंने थोड़ा स्टडी किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी टाइम कभी प्लेस भी नहीं लगी थी। तो फर्स्ट मैंने मुंबई श्री जीता था 2013 में, उसके बाद 2014 में विस्टर महाराष्ट्र जीता था ओवरऑल टाइटल, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअली में, क्योंकि वो सबसे टफ कंपटीशन रहा वो टाइम पे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने की थी क्योंकि काफ़ी स्टडी भी किया था हर एक कंपटीशन का, तो उस तरह से मैंने इम्प्रूवमेंट की, और 2013 से लेके 2022 तक मैं लगातार कंपटीशन खेलता रहा और एक प्रोफेशनली ये फील्ड में मैंने कदम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मेमोरेबल विक्ट्री। एक्चुअली काफ़ी कंपटीशन खेले मैंने 2014 से, उसमें सबसे मेमोरेबल कंपटीशन था मेरा 2016 में जो मैंने मिस्टर इंडिया जीता था, जो महाराष्ट्र रोहा रायगढ़ में हुआ था कंपटीशन, वो सबसे मेमोरेबल विक्ट्री था क्योंकि फर्स्ट मिस्टर इंडिया मैंने जीता था, फर्स्ट टाइम ओवरऑल टाइटल जीता था, और उसके बाद और एक मेरा मेमोरेबल विक्ट्री रहा है क्योंकि इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के बाद इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग IFBB स्विच करने के टाइम पे जो मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था IFBB प्रो शोज प्रो कार्ड मिस्टर अमेचर ओलंपिया, तो वो एक मेरा मेमोरेबल विक्ट्री रहा है क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था, और उस कंपटीशन में लास्ट ईयर मुझे प्रो कार्ड मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेट योर टारगेट? अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप्स का प्रोटोकॉल होता है, पैटर्न होता है, मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है क्योंकि कोई भी कंपटीशन जीतना है मुझे टारगेट करना है तो मैं पहले से उसकी स्टडी करता हूँ। जैसे हम लोग कॉलेज में स्टडीज़ करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरा साल पढ़ना है, अगर कोई डिग्री लानी है तो पूरा 2-3 साल से पढ़ना है, फोकस करना है, उसी तरह बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी हर एक कॉम्पिटिशन ऐसे होता है, आपको टारगेट सेट करके उस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मेरा कोई जनवरी में कॉम्पिटिशन है तो इस जनवरी से मुझे अगले जनवरी तक पूरा साल प्रिपरेशन करनी है क्योंकि हर कोई प्रिपरेशन में होता है तो सबको हराना होता है, तो उस तरह से मैं प्रिपरेशन करता हूँ, पूरा साल ऑन में रहता हूँ, डाइट पे फोकस होता है, वर्कआउट के एक ईच एंड एवरी डे मुझे वर्कआउट करना होता है और उसके लिए पूरा शेड्यूल प्लान करना होता है, तो इस तरह से मैं टारगेट सेट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट मोटिवेशन हर कोई चीज़ से मिलता है, जैसे अगर हम लोग फिटनेस फील्ड से है या बॉडी बिल्डिंग फील्ड से है तो हम लोग बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखते हैं, अगर कोई एथलीट होगा वो रनर है तो रनिंग की वीडियोस देखता है, रनर्स को फॉलो करता है जो एथलीट होते हैं, तो हम लोग भी बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हैं, हर बार वीडियोस देखते हैं तो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन होती है, कितना हार्डवर्क होता है, उसको फोकस करते हैं, तो हमें भी उसका थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि ये वीडियोज़ रिपीट होती है तो मैं खुद के वीडियोज़ भी देखता हूँ पुराने लास्ट ईयर के, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मैंने ये किया है, मैं कर सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा और बहुत कुछ करना है, सुनीत को ही हराना है, ये सोच के मैं खुद को मोटिवेट करते रहता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर माइंडसेट व्हेन यू आर ऑन प्रेप? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
जब प्रिपरेशन हो जाती है या फिर करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट मोमेंट होता है वो, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो उसके लिए माइंडसेट बहुत करना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जिम ओपनिंग होती है, इनोग्रेशन होते हैं, फ़ोन कॉल्स होते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है, अदर एक्टिविटी, तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वर्कआउट, डाइट, रेस्ट, ये सब चीज़ों पे होता है। जो दोस्त होते हैं उनसे थोड़ा सा कम बात करता हूँ, अगर कोई भी मीटिंग हो सब अवॉइड कर देता हूँ। और मेन होता है जब हम लोग बैक स्टेज जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में ये होती है कि कब जाके परफॉर्मेंस दूँ, कब जाके प्रेजेंटेशन दूँ मेरा स्टेज परफॉर्मेंस, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते हैं कि फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए, सुनीत को मिलना है, क्योंकि वो बहुत लोग प्यार करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यही दिमाग में रखता हूँ कि पहले सबसे कंपटीशन सबसे पहले हो जाए, उसके बाद फ़ोटोशूट, जिनको फ़ोटोज़ देना है, सेल्फी देनी है, तो वो सब बाद में करता हूँ। तो बहुत माइंडसेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट वर्कआउट? ओके, मेरा फेवरेट वर्कआउट मोस्टली लेग्स वर्कआउट है। मुझे काफ़ी उससे एनर्जी मिलती है और काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारा बेस होता है लेग्स, तो वो बहुत इंप्रूव करना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि लेग्स वंस इन अ वीक किया तो भी काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ट्वाइस इन अ वीक लेग्स वर्कआउट करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन फ्रिक्वेंटली ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए मेरा फेवरेट वर्कआउट लेग्स है। तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कंपटीशन में कि काफ़ी प्रोग्रेसिव लेग्स लगते हैं मेरे, तो लेग्स वर्कआउट मेरा सबसे फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज टू गिव टाइम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स? यस, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये, जब प्रोफेशनल चीज़ें आपको ज़्यादा कवर करती है, क्योंकि टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली और फ्रेंड्स को, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल जब आता है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर साल प्रेप करना है, तो हर पूरा 12 महीना प्रिपरेशन में लगना है, तो हर एक दिन इम्पोर्टेंट होता है, हर रोज़ वर्कआउट, हर रोज़ डाइट, रेस्ट, ये चीज़ें लगातार पीछे पीछे रहती है। तो उसमें से फैमिली को टाइम देना डिफिकल्ट होता है, फिर भी कभी कभार दिन में 2 सेशन होते हैं, वहाँ पे एक सेशन करना होता है वर्कआउट का, तो फैमिली को टाइम थोड़ा बहुत दे देता हूँ। और दूसरी बात, फ्रेंड्स को टाइम देना है, तो कभी घर में कुछ सेलिब्रेशन होगा, बर्थडे या फिर कोई फंक्शन होगा या फिर फेस्टिवल होगा, तो दोस्त लोग घर पे मिलने आते हैं, तो उतना ही टाइम उनको दे पाता हूँ। और अदरवाइज़ बाहर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरी जगह पे जाके वर्कआउट करो थोड़ा टफ हो जाता है, तो सब बेसिकली होम टाउन में जो वर्कआउट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए घर के बाहर जाना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो टाइम तो स्पेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट स्वीट डिश? मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद है, तो फिर वो कोई भी डिश हो, फेवरेट डिश, स्वीट डिश, बंगाली स्वीट, स्वीट्स हो या फिर नॉर्मली कोई भी, तो स्पेशली जब प्रिपरेशन में होता हो तो डाइट कंट्रोल होता है, तो वो टाइम पे ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो सबसे ज़्यादा वो टाइम पे क्रेविंग होती है, तो स्वीट डिश की याद आती है। नहीं तो मोस्टली स्वीट्स, कोई भी स्वीट्स हो घर पे जो बनता है, शीरा बनता है और गाजर का हलवा बनता है, वो सबसे फेवरेट मेरा स्वीट डिश है। और बाहर कोई स्वीट शॉप में से अगर कोई पसंद हो तो फिर मैं डेयरी प्रोडक्ट होते हैं स्वीट्स के, तो वो ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन फेवरेट डिश स्वीट डिश है, तो लगातार चलते रहता है, बट काफ़ी टाइम अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन करना है तो बॉडी को ख़राब नहीं करना होता इसलिए। वॉट आर योर फ्यूचर गोल्स? ओके, अभी एमेचर ओलंपिया मैंने जीता है, प्रो कार्ड जीता है, तो अभी कोई 2-3 प्रो शोज खेलने हैं मुझे। अभी मेरा प्लान है यूएस जाके, कैलिफोर्निया में जाके हैनी रेमबोर्ड जो हमारे कोच है उनके साथ कोचिंग ट्रेनिंग करके थोड़ा बॉडी में और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, उसके बाद मैं प्रो शोज़ खेलूँगा, और 2 या 3 प्रो शोज़ में फर्स्ट आना है, और जैसे मैं ओलंपिया ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाता हूँ, फिर ओलंपिया 212 कैटेगरी में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ये मेरा फ्यूचर गोल है। हाउ डू यू फील अबाउट पब्लिक अटेंशन? मुझे काफ़ी टाइम पब्लिक के सामने चुपके से जाना पड़ता है, मतलब जैसे जिम जाता हूँ, अगर मैं कभी बाइक से जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है मुंबई, तो ज़्यादा प्रीफर बाइक ही करता हूँ, तो बाइक से जाता हूँ, हेलमेट पहना हुआ होता है, फिर भी लोग पहचानते हैं, लेकिन
और इस बार जो मिस्टर ओलंपिया हुआ था गोरेगांव में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में, तो काफ़ी लोगों की भीड़ थी और काफ़ी फैन फॉलोअर्स मेरा वेट कर रहे थे। और उसमें मैंने खुद को हुडी पहन के, गॉगल कैप मास्क पहन के हाइड किया था, फिर भी वहाँ पे लोगों ने मुझे पहचान लिया कि इतना नोटिस करते कि टॉप टू बॉटम मुझे नोटिस करते रहते कि ये सुनील यादव ही है कन्फर्म। तो उस टाइम पे काफ़ी फ़ैन ने मुझे बोला था सर एक सेल्फी चाहिए, तो मैंने उनको पूछा आपने कैसे पहचान लिया, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो हर चीज़ मेरी पहचानते, हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते। तो इस तरह से फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करते थे अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ। ये सब मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन थे जो फैंस ने मुझे भेजे थे, तो उनका मैंने जवाब आपको दिया है, आंसर दिया है। तो इसी तरह से मुझे आप क्वेश्चंस करते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आपके जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर आंसर करेंगे। और रही वर्कआउट की बात, तो वर्कआउट वीडियो भी इसमें अभी आगे यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ।